हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपके सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम केस 2 देखेंगे, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। अभी हमने केस 1 देखा था, इसमें व्हेन द होल्डर ऑफ द बिल इज ड्रॉअर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट तक बिल का होल्डर कौन है? ड्रॉअर। लेकिन यहां पर ड्रॉअर उस बिल को बिफोर मैच्योरिटी डेट, बिफोर ड्यू डेट क्या करा लेता है? डिस्काउंट करा लेता है। कहां से? बैंक से। तो वो बिल किसके पास पहुंच जाता है? बैंक के पास। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड एंड कैश इज रिसीव्ड। जब ड्रॉअर मैच्योरिटी से पहले बिल को डिस्काउंट करा लेता है तो वो एंट्रीज के पास करता है। क्यों कराता है? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ड्यू डेट से पहले बैंक से क्या करा लेता है? उस बिल को डिस्काउंट करा लेता है। तो सपोज करिए 10,000 का अगर कोई बिल है, ओके, 10,000 का बिल है, बैंक ने उससे 2 महीने के लिए 5% के रेट के हिसाब से चार्ज करा, तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं 500 रुपीज बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए। तो 10,000 के बिल की जगह बैंक उसको कितना पेमेंट करेगा? 9,500 का। तो क्या तो कैश पेमेंट करेगा, और बैंक कैश पेमेंट करता नहीं, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,500। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस किसका लॉस है? ड्रॉअर का। क्यों? क्योंकि ड्रॉअर को मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़ी, तो लॉस भी कौन बियर करेगा? 500 रुपीज का। ड्रॉअर टू बिल रिसीवेबल, ये बिल रिसीवेबल किसके पास चला जाएगा? बैंक के पास। तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉइज और एक्सेप्टर्स की बुक में क्या एंट्री होगी? ओके, जब वो पेमेंट करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस फॉर ₹30,000। प्रकाश ने मोहन से 30,000 की एक्सेप्टेंस रिसीव करी। तो प्रकाश ने रिसीव करी है एक्सेप्टेंस किसकी? मोहन की। तो जो एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? ड्रॉई। तो मोहन इस क्वेश्चन में क्या है, इस एग्जाम्पल में क्या है? ड्रॉई। और प्रकाश कौन है? ड्रॉअर है। ओके, ऑन 1st July 2019, 1 जुलाई 2019 को, कितने महीने का? 3 महीने का बिल है। प्रकाश गॉट दिस एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट द रेट 12% पर एनम एट हिज बैंक। और प्रकाश ने 12% के रेट से इस बिल को क्या कर लिया? बैंक, अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ऑन ड्यू डेट मोहन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, और ड्यू डेट पे मोहन ने जो रिक्वायर्ड अमाउंट था पे कर दिया, लेकिन वो किसको पे करा होगा? बैंक को। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश एंड मोहन। और ड्रॉअर और ड्रॉई बनाएंगे कैसे उनकी बुक में एंट्री पास होगी? तो सबसे पहले 2019 जुलाई 1st, और आपको पता है यहां पे बाय एंड सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाय एंड सेल की हम एंट्री पास नहीं करेंगे। तो 1st जुलाई को प्रकाश क्या रिसीव कर रहा है? मोहन की एक्सेप्टेंस, कितने रुपए की? 30,000 रुपए की। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR किससे रिसीव कर रहा है? टू मोहन। किससे रिसीव करा? मोहन से। कितने रुपए क्या? 30,000 रुपए की। तो 30,000 रुपए से हमने क्या कर दी? एंट्री पास कर दी। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, कि हमने एक्सेप्टेंस क्या कर ली? रिसीव कर ली। ओके, ये एंट्री हो गई। अब ड्यू डेट में, अब उसने 1 जुलाई को ही क्या करा लिया? इसको बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। कितने परसेंट के रेट से? 12% के रेट से। और बिल कितने महीने का था? 3 महीने का। तो इसी सेम डेट में एंट्री के पास होगी, बैंक अकाउंट DR, उसने डिस्काउंट करा लिया। अभी लॉस है उसका, तो बाकी के क्या आ जाएंगे? बैंक क्या लेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बिल किसके पास चला जाएगा? बैंक के पास, टू बिल्स रिसीवेबल। अब बिल कितने का था? 30,000 का, वो रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग चार्जेस 30,000 के बिल पर कितने परसेंट के रेट से? 12% के रेट से। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 by 12 कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से 3 3 9, तो 900 रुपीज़ के क्या हो गए? डिस्काउंटिंग चार्जेस। 30,000 के बिल में बैंक ने कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए? 900 के। तो बाकी का कितना पेमेंट कर दिया होगा? 29,100 किसको पेमेंट कर दिया होगा? प्रकाश को। तो ये प्रकाश बुक में एंट्री हो गई, तो बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ओके, अब जर्नल ऑफ मोहन, मोहन का जर्नल बनाना है। तो 1st जुलाई को, 1st जुलाई 2019 को एंट्री होगी, प्रकाश डेबिट टू बिल्स पेबल, ये एंट्री क्या करेगा? प्रकाश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कितना? 30,000 रुपीज की। ओके, अब एक बात बताइए, ये बिल कितने महीने का था?
तीन मंथ्स का बिल कितने का था, 3 मंथ्स का बिल था। ओके, पैसे की जरूरत पहले किसे पड़ी, ड्रॉअर को, तो ड्रॉअर ने उस बिल को बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट। लेकिन मोहन कब पेमेंट करेगा इसका, जब ड्यू डेट आएगी, तो ड्यू डेट कब आएगी, पहला महीना होगा जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो फर्स्ट अक्टूबर जो है, फर्स्ट अक्टूबर वो क्या है, ड्यू डेट है। अब इसमें 3 दिन और जोड़ देंगे ग्रेस के, तो क्या हो जाएगी 4th अक्टूबर, तो 4th अक्टूबर कौन सी डेट आ गई, मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट पे कौन पेमेंट करेगा, मोहन। किसको पेमेंट करेगा, बैंक को। बैंक को क्यों करेगा, क्योंकि बैंक से प्रकाश ने बिल को क्या करा लिया था, डिस्काउंट करा लिया था। तो अब जो एंट्री ये पास करेगा वो 4th अक्टूबर को करेगा। लेकिन अगर हम देखें प्रकाश ने वो एंट्री कब करी थी, 1st जुलाई, क्योंकि उसने बैंक में उस बिल को कब प्रेजेंट कर दिया था, 1st जुलाई को। तो एंट्री क्या पास करेगा, ये बैंक को पेमेंट करेगा, जो एंट्री इसकी बुक में होनी चाहिए वही होगी, क्या होगी, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट DR टू कैश और बैंक बीइंग पेमेंट मेड, कितना टोटल 30,000 रुपीज का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वो केस व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद दी बैंक, जब ड्रॉअर बैंक से बिल को क्या करा लेता है, डिस्काउंट करा लेता है। तो ये उस केस की एंट्रीज हमने पास कर ली। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आओ। थैंक यू, कीप वॉचिंग द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।